सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी हुई, राइट? उसके बाद हम आज अपना नया चैप्टर, इसका रिवीजन करते हैं, चेंजिंग टाइम्स चैप्टर 12, राइट? ये स्टोरी है किसके बारे में? है चेतन दास के बारे में। किसके बारे में? हम बिल्कुल समरी लेंगे चैप्टर की, ताकि जब आप हम इसका क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट करें तो आपको आसानी से सारे क्वेश्चन टिक टिक जल्दी से आप कर सकें, ठीक है? तो ये स्टोरी किसकी है? चेतन दास की। किसकी? चेतन दास की स्टोरी है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है? वो क्या थे चेतन दास? वो अपने बारे में कुछ लिख रहे हैं, अपने उन्होंने किस तरह से अपना टाइम स्पेंड किया, राइट? तो वो आज से 60 साल पहले की अपनी स्टोरी लिखते हैं, जब वो कहाँ रहते थे? डेरा गाजी खान में, जो अब कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो उन्हें कहाँ पर आना पड़ गया? दिल्ली में, मतलब इंडिया में। तो वो अपने अम्मा बाबा के साथ कहाँ आ गए? अपने भाइयों के साथ और अम्मा बाबा के साथ कहाँ पे आ गए बच्चों? वो आ गए दिल्ली में। फिर थोड़े टाइम बाद वो दिल्ली में रहे कैंप्स में, उसके बाद वो कहाँ रहने लग गए? उनको एक घर मिल गया। कहाँ पर मिला उन्हें घर? उनको एक घर मिलता है बच्चों सोहना के पास, ठीक है? उसके बाद वो बताते हैं कि उनकी जो बहन थी उनकी शादी हो गई, और उनके जो बाबा और वो सब, उन्होंने किस तरह से अपना घर बनाया, कच्चा घर बनाया, राइट? इसमें ये बताते हैं कि किस तरह से टाइम जैसे जैसे चेंज होता गया, वैसे वैसे जो घर के डिज़ाइन थे वो सब कैसे कैसे बदलते रहे, राइट? तो पहले इन्होंने अपने लिए कच्चा घर बनाया, राइट? उसके बाद थोड़े ये बड़े हुए, उसके बाद इनकी भी शादी हो जाती है, ये बताते हैं। और जब पहले इन्होंने घर बनाया था, वो कच्चा था। किससे बनाया था? मिट्टी से और भूसे से घर बनाया। और उसकी जो छत थी वो किससे बना दी थी? कीकर, नीम और कीकर को लगा के, ठीक है? उसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है और इनकी शादी होती है। और जब इनकी शादी होती है बच्चों, तो फिर ये एक और अपना छोटा सा एक रूम बना लेते हैं, और उसमें किचन होती है और इनकी वाइफ होती है, राइट? और इनके बच्चे पैदा हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद। तो फिर ये सब आराम से बैठ कर खाना खाते हैं। उसके बाद थोड़ा टाइम और बीतता है, उस टाइम अब ये कि चूल्हे पर, इनकी जो वाइफ है वो चूल्हे पर खाना बनाती हैं, ठीक है? ये चूल्हा दिख रहा है, मिट्टी का चूल्हा, इस पर खाना बना रही है। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, थोड़ा टाइम बीतता रहता है, फिर जो चेतन दास है, उनके बेटा, दो बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। तो बेटी जो है उनकी शादी वो कर देते हैं पलवल में, ठीक है? और जो दो बेटे होते हैं, एक अपनी वाइफ के साथ कहाँ रहने लग जाता है? बाहर रहने लग जाता है। और दूसरा जो होता है वो उनके साथ ही रह रहा होता है। तो वो अपने घर में ऐसे नया घर बनाते हैं। इस टाइम जो वो है, ये घर बनाते हैं नया, बिल्कुल पक्का होता है, अच्छा होता है। और उनके जो दो बेटे हैं राजू, उनके लिए घर बनाते हैं। अब क्या वो किस चीज़ का यूज़ नहीं करते? अब वो चूल्हे का, जो क्ले वाला मिट्टी का चूल्हा था, उसका यूज़ नहीं करते हैं। अब वो किसका यूज़ करते बच्चों? गैस का और स्टोव का। और जो उनका बड़ा, जो छोटा बेटा था, वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है, और वहाँ उसकी जो वाइफ है अपनी वाइफ के साथ, और वहाँ पर ही वो फ्लैट वगैरह जो होते हैं दिल्ली में, वो ले लेता है। हाई राइजिंग बिल्डिंग आपने देखी होगी, बहुत लंबी ऊंची ऊंची इमारतें, वहाँ पर वो फ्लैट ले लेता है और वहाँ पर वो रहने लग जाता है। अब क्या आ गया है? जो वो पहले घर में, मतलब जो टॉयलेट वगैरह होते थे, वो इतने, मतलब ऐसे ही होते थे। अब जो टॉयलेट हैं उनमें वो क्या, उन्होंने टाइल्स वगैरह लगा दी हैं और अच्छे से बिल्कुल डेकोरेट कर दिया है, राइट? लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जितने जितना जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता है, वैसे वैसे वो चाहते कि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करें, राइट बच्चों? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये चेतन दास की एक स्टोरी थी, मतलब जैसे, मतलब चेंजिंग टाइम्स, किस तरह से जो समय व्यतीत होता रहता है, समय चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंगली लोग भी चेंज होते रहते हैं। उनके, मतलब रहन सहन का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब वो आए थे तो वो कच्चे मकान में रहते थे, और अब वो जो हैं अच्छे मकान में रहते हैं, पूरा पक्का है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, राइट बच्चों? आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आप इधर जल्दी जल्दी कीजिएगा। एक छोटा सा पार्ट ये है कि जो वर्क और पर्सन, फॉर एग्जांपल जो आपका प्लम्बर होता है, वो किसका पाइप की फिटिंग वगैरह करता है, ठीक है? ऐसे ही जो इलेक्ट्रीशियन होता है, वो क्या करता है, आपके पंखे वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो उसको काम करता है। तो ये है, ये तो इतना खास कुछ है नहीं। तो हम, मतलब अभी क्वेश्चन आंसर पार्ट हम बाद में ही करेंगे। अभी तो हम क्या कर रहे थे बच्चों?
अभी हम समझ रहे थे जो कॉन्सेप्ट है कि टाइम कैसे चेंज हो रहा है और हम किस रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब लेक्चर होगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट का भी रिवीजन करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।